हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए संस्कृत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ आप देखेंगे कक्षा 10वीं विषय संस्कृत, आपको जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो बिना समय व्यतीत किए स्टार्ट करते हैं, और ये इंट्रक्शन आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये जो सारे इंट्रक्शन हैं इनके आधार पर आपको पेपर हल करना रहेगा। सबसे फर्स्ट वाला आपका जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। यहाँ पर आपको प्रश्न फर्स्ट दिया है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प का चयन कर लिखिए। मया इत्यस्मिन पदे का विभक्ति अस्ति, जो आपके सामने ये मया शब्द दिया है इसमें आपको विभक्ति बता देना है। तो जो आपकी मया शब्द में विभक्ति होगी वो तृतीया विभक्ति होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तृतीया विभक्ति आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा लतायाम इत्यस्मिन पदे का विभक्ति, तो लतायाम जो शब्द है इसकी विभक्ति आपको कंप्लीट बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों का सप्तमी विभक्ति बताना है, लतायाम में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा आप सभी, अधोलिखितेषु पंचमी विभक्ति अस्ति, तो पंचमी विभक्ति का शब्द आपको इसमें बताना है। तो आप लोगों की पंचमी विभक्ति इसमें है, सारे शब्द पंचमी विभक्ति के दिए गए हैं, बालके भी दिया है, फलाभ्याम भी दिया है और राज्ञा भी दिया है। तो करेक्ट उत्तर आप लिखेंगे सर्वे अपि, सर्वे अपि का मतलब ये सभी। इसके बाद में देखिए आप सभी, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कवि शब्दस्य द्वितीया विभक्ति रूपम किम, जो ये कवि शब्द है इसकी द्वितीय विभक्ति का रूप आपको इसमें बताना है। तो कविम आपके सामने दिया है, ये द्वितीय विभक्ति का शब्द है, ठीक है, द्वितीय विभक्ति। और अब इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु अव्ययम पदम न अस्ति, इसमें से कौन सा अव्यय पद नहीं है। तो यहाँ पर आपको वनम जो शब्द दिया है अव्यय नहीं है, यदा भी अव्यय है, अत्र भी अव्यय है और कदा भी अव्यय है, लेकिन जो वनम शब्द है ये अव्यय शब्द नहीं है। ये कौन सा शब्द है, तो ये संज्ञा शब्द है, ठीक, इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्रतम कलहम मा कुरु अस्मिन वाक्य अव्यय पदम अस्ति, ये व्रथा कलहम मा कुरु इस वाक्य में आपको अव्यय बताना है। अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो ऑप्शन आपको दिया है व्रथा कलहम कुरु या ना को अपि, तो इसमें आप लोगों को करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर सर्वे अपि, ठीक है, क्योंकि इसमें अव्यय पद बताना है। तो ये को अपि ना, इनमें से कोई भी नहीं, व्रता कलहम और कुरु, ठीक है, तो इसमें को अपी ना लिखेंगे। अब इसके बाद में सही और गलत वाले आपके प्रश्न आ चुके हैं। देखिएगा पाश्यति इत्यस्मिन पदे लोट लकार अस्ति, तो इसमें आप लोगों को लिखना है ना, ठीक है। अगला है गच्छामि पदे उत्तम पुरुषः अस्ति, तो गच्छामि में आम आपको लिखना रहेगा। अपठताम पदे एक वचनम अस्ति, तो इसमें आपको ना लिखना है। नेश्याम इत्यस्मिन पदे नि धातु अस्ति, तो नेश्याम में नि धातु है, इसमें आपको आम लिखना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप लोगों को बताया है संस्कृत पदे सम उपसर्गः अस्ति, तो जो संस्कृत पद है इसमें सम उपसर्ग है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो इसके आगे आपको लिखना है आम। इसके बाद में देखिएगा प्राचार्य पदे प्रा उपसर्ग अस्ति, तो ये तो यहाँ पर ना अस्ति पूछा है, तो यहाँ पर आप लोगों को ना बताना है। और प्राचार्य पद में उपसर्ग अगर पूछे तो प्रा उपसर्ग होता है, तो प्राचार्य पदे प्रा उपसर्ग अस्ति इस प्रकार से सही रहता। अब देखिएगा यहाँ पर आपकी सही जोड़ी आ चुकी है, उचितम मेलनम कुरुत, सही जोड़ी बनाइए। इसमें आपको जो सही जोड़ी दी है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी सही जोड़ी है। यहाँ पर विद्यालय, विद्यालय का विद्या प्लस आले बनता है, पहले तो आप एक बात याद रखेंगे विद्या प्लस आले, तो विद्यालय में आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी।
चोरात भयम का बनता है चोर भयम, तो ये पंचमी तत्पुरुष आपका हो जाएगा। मनोरथ तो इसका बनता है मनः प्लस रथ, ये आपका बनता है। तो मनोरथ में आप लोगों की विसर्ग संधि होगी, ये विसर्ग संधि। यथाशक्ति, यथाशक्ति का जब हम समास विग्रह करते हैं तो बनता है शक्तिम अनतिक्रम, शक्तिम अनतिक्रम। तो यथाशक्ति में अव्यय भाव समास है तो यहाँ पर अव्यय भाव लिखेंगे। इत्यादि का बनता है इति प्लस आदि, तो यहाँ पर इत्यादि का आपको बता देना है। आपकी स्वर संधि होगी और स्वर संधि में भी यण स्वर संधि है। कृष्ण सर्पः, कृष्णः च असो सर्पः, तो यहाँ कर्मधारय समास होगा, ठीक है। कृष्णः च असो सर्पः, तो ये चासो आ रहा है तो कर्मधारय है, ऐसे भी आपको याद रख सकते हैं, ठीक। कृष्ण सर्प में कर्मधारय समास। अब आप देखिएगा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यहाँ पर आपको एक शब्द या एक पद में उत्तर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें दिया है पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो जब आप इसका तोड़ते हो इसको तो इस प्रकार बनता है पठ प्लस कत्वा, ठीक है। तो इसमें प्रत्यय पूछा है तो कत्वा प्रत्यय आप इसका उत्तर बताएंगे, तो उत्तर में आप पठित्वा में क्या लिखेंगे, कत्वा प्रत्यय। उपकृत्य इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, जो उपकृत्य है इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको प्रत्यय बता देना है। तो उपकृत्य में आप लोगों का ल्यप प्रत्यय होगा, ठीक है। उपकृत्य में आपका ल्यप प्रत्यय बन जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर ल्यप प्रत्यय। बाल प्लस टाप इत्यस्य पदम अस्ति, तो यहाँ पर बाला इसका बनता है, बाल प्लस टाप बाला। के रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पर भृंगहा लिखना है, ठीक है, भृंगहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, यहाँ पर व्याघ्रहा कस्मात् विभेति, तो व्याघ्रह कस्मात् विभेति, तो मानुषात्, इसके उत्तर में मानुषात आएगा। नेक्स्ट है जननी की दृशी भवति, तो इसमें आपको ये तुल्य वत्सला लिखना है, जननी तुल्य वत्सला भवति, ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद में रिक्त स्थान दिए हैं, इन रिक्त स्थानों को आप कंप्लीट करेंगे। देखिए आपको यहाँ पर आम्रम इत्यस्य पर्याय पदम, तो यहाँ पर रसालम लिखेंगे। विशाल ग्रामहा इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम अस्ति, तो यहाँ पर विशेषण क्या है, तो ग्रामहा लिखेंगे, ग्राम की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है कि वो विशाल है, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर किससे विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है विशाल नामक शब्द से बताई जा रही है, तो विशेषण विशाल होगा, लेकिन विशेष्य अगर पूछे तो आपको ग्राम बताना है। प्रसिदामी इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, प्रसिदामी का विलोम रोदिमी हो जाएगा, आपको यहाँ पर रोदिमी बताना है। नेक्स्ट है सन्यासी गृहत्यागी भवति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्यम अस्ति, तो सन्यासी गृहत्यागी में आप लोगों को एक और बात याद रखना है, जो विशेष पद है वो बताना है। और इसके बाद में चतुरा काक इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम अस्ति, तो इसमें आप लोगों का चतुर हो जाएगा, चतुरहा, ठीक, चतुरहा इसमें विशेषण आपका कंप्लीट आप याद रखेंगे। और यहाँ पर सुलभु पदस्य विलोम पदम अस्ति, तो सुलभ का ये दुर्लभ आप लिखेंगे, बाकी सभी के आंसर आपको ये यहाँ पर भी दे रखे हैं, तो इनको भी आप यहाँ से देखकर भी कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये पूरा एक मॉडल टेस्ट पेपर कंप्लीट है। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको एक बात मैं बता दूं, आप ऐसा करिएगा, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन जो है वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिएगा अपने फ़ोन में, वहाँ पर आपको परचेस करना रहेगा 49 में आपका सारा कोर्स, जिसमें आप लोगों को
अभी इंस्टेंट 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो कोड आपको डालना है हिंदी 50। ये कोड आप जैसे डालेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वो भी आपको ध्यान रखना है।